करेंगे। नौशहरा में दरियाए स्वात और काबुल में पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। वालेकुम, आजकल जैसे कि सबको पता है बहुत बुरे हालात हैं केपीके में, सिंध में, बलोचिस्तान में फ्लड्स की वजह से, और हमारे अपने लोग ही सफर कर रहे हैं। तो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जितना भी आप चैरिटी तो हम बहुत देते हैं, पाकिस्तानी के लोगों के देते हैं, दुनिया में सबसे आज देते हैं। दिस इज द टाइम, यहाँ पे मैं तारीफ करूँगा शाहिद अफरीदी उसकी फाउंडेशन की, जो उन्होंने आज से फोर्स ही किया ये, जो मैं देख रहा था, फॉलो कर रहा था शाहिद को ट्विटर पे, अबाउट महीना डेढ़ पहले बलोचिस्तान में उसकी फाउंडेशन चली गई थी लोगों के घर में, जो बड़े जोरों शोर से लगा हुआ। सो प्लीज उसकी चैरिटी को, किसी भी चैरिटी को जितना भी आप डोनेट कर सकते हैं करें। शाहिद अफरीदी ग्रेट जॉब, आपको और आपकी टीम को मेरी तरफ से मुबारक तो नहीं कह, मुबारक भी दूंगा, ये कहूंगा कि बहुत हिम्मत है आपको, वी आर ऑल बिहाइंड यू शाहिद, कीप अप द गुड वर्क, वी आर ऑल वेरी प्राउड। अस्सलाम वालेकुम, मैं शोभा, जैसा कि आपको पता है कि सलाम ने तबाही मचा कर दी पूरे मुल्क में, और यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं और कई मकान बह चुके हैं, जानवरों समेत अमलाक समेत पानी की नजर हो चुकी है। और इस वक्त शाहिद अफरीदी फाउंडेशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, जो एक महीना पहले की बात करूँ, अभी एक महीना पहले शाहिद अफरीदी फाउंडेशन होप नॉट आउट के बैनर के नीचे उन्होंने कैंप्स का इंतजाम करना शुरू किया, उन्होंने खुराक का इंतजाम करना शुरू किया था। तो पहले ही उन्होंने देख लिया था कि ये बहुत तबाही मचाने वाली है और बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं शाहिद अफरीदी, और मैं पूरी जोर आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप शाहिद अफरीदी की मदद करें। अगर मेरी टांग इस वक्त ठीक होती, मेरा ऑपरेशन ना हुआ होता, तो मैं अभी शाहिद अफरीदी के साथ जाके सैलाब जदगान के लिए मैं काम करता, मैं ऑन द फील्ड जाके एहतियात जमा करता और एहतियात देता भी, और कोशिश भी कर रहा हूँ, अभी बैठा हुआ घर पे, अनफॉर्चुनेटली शायद मैं अभी चल नहीं सकता, लेकिन मुझे पता तुम जा रहे हो और वहाँ पे बलोचिस्तान केपीके और सिंध में तुम जा रहे हो, और तुम बड़ी पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हो, जितना तुम हेल्प कर सकते हो। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक शाहिद, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, इसका जज़ा इंशाल्लाह अल्लाह देगा, और आई होप यू कीप ऑन डूइंग दिस एंड अ ग्रेट वर्क व्हाट यू आर डूइंग। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन को सपोर्ट कीजिए, मदद कीजिए, अपने एहतियात पहुँचाइए, इस वक्त पाकिस्तान कौम को आपकी बहुत सख्त जरूरत है। जो लोग पहाड़ों के ऊपर बैठे हुए हैं, हजारों की तादाद में चढ़ाइयों पे बैठे हुए, रोडों पे बैठे हुए, हाईवे पे बैठे हुए, देखिए हमने अपने किचन जो 500 देखो के तो उनको बढ़ा के 1000 देखो पे ले गए, हम नई जगहों पे शिफ्ट कर रहे हैं, हम जितना पका हुआ खाना, लेकिन मैं बताऊं हम कितना दे देंगे पका हुआ खाना। मैं कल वजीर आला सिंध से मिला वहां पर, मैं कल खुर्शीद शाह साहब से मिला, मैं कल नासिर शाह साहब से मिला, सबसे मिला, हर कोई जो जो जिस जिस तरह कर रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी बड़ी आफत है, नहीं दिखा रहा मीडिया, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं दिखा रहा, लोग नहीं निकल रहे उस तरह मदद करने के लिए, मुझे नहीं मालूम, लेकिन लाखों लोगों को पका हुआ खाना कैसे पहुंचाएंगे भाई। तो मैं सिर्फ एक गुजारिश करूंगा, बिस्किट के कार्टन उठाइए, एक पूरा ट्रक भरवाइए, मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए में बिस्किट से पूरा ट्रक भर जाता है भाई, वहां पहुंचा दें आप लोगों को, अगर 2-4 दर्जन बिस्किट पहुंचा देंगे, पानी की बोतलें पहुंचा देंगे, मिनरल वाटर, यकीन करें वो अपना 10 दिन निकालेंगे, इतने अर्से में बारिश रुक जाएगी, अभी बारिश रुकने का वहां कोई चांस नहीं है, बारिश रहेगी, पूरा सिंध, पूरा जुनूबी पंजाब तबाह है, लोग फोन कर रहे हैं जफर उस जगह फोकस करो, जफर उस जगह फोकस करो, मैं कहां फोकस करूं, हर जगह तबाही है, ठट्टा तक तबाही तबाही है, जहां भी आप देखेंगे सिर्फ तबाही है भाई। मैं आपको फिर बता रहा हूं 5 घंटे वाला सफर 15 घंटे में करके यहां तक पहुंचाऊं, सिर्फ इसलिए कि 2 तलवार पे कैंप लगा दिया, इमदाद का नुमाइश औरंगी पे लगा दिया, जेडीसी के ऑफिस में कुछ भी दो भाई, प्लास्टिक की वो थैलियां, ये तरपाल जो यहां पर मिल रहे हैं 3000 रुपए के, ये तरपाल अगर वहां पर किसी दुकान में तो 20,000 से भी कम का नहीं मिल रहा है। तो आगे बढ़े, ये सामान पहुंचाएं जेडीसी तक भाई, इंतजार नहीं करेंगे, 20 लाख लोग मरेंगे तो हम जागेंगे जी, एक अलमिया हो गया, तबाही और बर्बादी है। जुनूबी पंजाब में भी किचन लगा दिया, उसकी तफसीलात भी आपको दिखा दी, इन सारी जगहों पे बलूचिस्तान का जो हाल है वो आपके सामने, आगे बढ़े, साथ दें, इंतजार ना करें लोगों के मरने का। मैंने आपको जो हकीकत की बता दी इस वक्त किस किस चीजों की जरूरत है, इस वीडियो को लाजमी शेयर करना ताकि हमारे प्यारे मरने से बच जाए मुसीबत से।